हाय एवरीवन, काफ़ी सारे लोग ही नहीं, इनफैक्ट मैं भी पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ढूंढता था कि कैसे मैं यूट्यूब पे फेसलेस वीडियोस को बना सकूं एंड ऐसी कौन सी स्ट्रीम्स हैं या नीश हैं जहां पे मैं अपनी शुरुआत कर सकूं एंड जहां पे बिना फेस दिखाए मैं वीडियोस बना सकूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 नीश आइडियाज़ जिन पे आप बिना अपना फेस दिखाए अच्छा खासा YouTube से रेवेन्यू कमा सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलैक्सिंग म्यूजिक से, है ना। ये हमारी सबसे पहली नीश कैटेगरी है एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, है ना। आपको सिंपल एक स्टॉक फुटेज लेके एंड एक फ्री म्यूजिक लेके आपको दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे वीडियोज़ डालनी होती हैं, है ना। अब ये कंपोज़र बन गए हैं, जो भी ये चैनल है सूदिंग रिलैक्सेशन। अगर हम इनकी पहली वीडियो देखें तो वो आई थी 7 साल पहले। इन्होंने 7 साल पहले से वीडियो डालना शुरू किया था। इनके घंटे घंटे भर की वीडियोस हुआ करती थी। अगर आप एक म्यूज़िक कंपोज़र नहीं हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए, फिर आप अपने यूट्यूब स्टूडियो पर जाइए। यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो खोलने के बाद आपको लेफ़्ट साइड दिखेगा यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको फ़िल्टर करना है, ये रहा, एंड यहाँ पे आपको फ़िल्टर करना है मूड, एंड मूड में आपको डालना है काम, अप्लाई, एंड ये रहा आपका सारा म्यूज़िक आ गया। यहाँ से आपको काफ़ी सारा म्यूज़िक मिल जाएगा जो भी आपको अपने रिलैक्सिंग म्यूज़िक चैनल्स के लिए चाहिए, है ना। अब हम कैसे देखेंगे कि कौन सा म्यूज़िक हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा नहीं। ऑब्वियसली सारा म्यूज़िक फ्री है, बट तब भी अगर आप थोड़ा सा लाइसेंसिंग पे ध्यान देंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पे लाइसेंस टाइप, नो एट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। एट्रीब्यूशन इज़ व्हाट? एट्रीब्यूशन इज़ बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे इसको फ़िल्टर करूँ, एज़ यू कैन सी यहाँ पे ये है नो एट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस इज़ CC यानी क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कंटेंट है, है ना, यहाँ पे ये जो आर्टिस्ट का लेबल है, लिंक है, ये आपको पूरा यहाँ से कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डालना है। दैट्स इट। ये हो गया एट्रीब्यूशन, उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को एक तरीके से क्रेडिट देना, तो वो हो गया एट्रीब्यूशन। एंड अगर हम फुटेजेस की बात करें तो ऑल यू नीड टू डू इज़ गो टू पिक्सेल्स, एंड ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री स्टॉक फुटेजेस एंड वीडियोस मिलती हैं। तो ये आ गए हम, यहाँ पे डालेंगे नेचर, एंड एज यू कैन सी अंडर वीडियोस यहाँ पे कितनी सारी फुटेजेस हैं, है ना। अगर हम इस चैनल को ही एनालाइज करें जहाँ पे अभी लाइव स्ट्रीम चल रही है, ये वाली लाइव स्ट्रीम खोलते हैं, सो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे ये देखिए नॉर्मल एक स्टॉक फुटेज है। इनका नीचे यहाँ पे आ रहा है वेबसाइट और इनके सोशल लिंक्स के बारे में, ऊपर इनका नाम है। ये म्यूज़िक अब भले खुद यहाँ पे कंपोज कर रहे हैं, एज़ यू कैन सी ब्यूटीफुल पियानो म्यूज़िक बाय पीटर बी हेलेंड। एंड अगर आप इनके चैनल पे जाएंगे तो ये वही हैं जो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, ये रहे ऑल म्यूज़िक कंपोज बाय पीटर बी हेलेंड। तो अगर आप कंपोज़र नहीं है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूज़िक एंड पिक्सेल से स्टॉक फुटेजेस एंड पिक्स एंड यू आर गुड टू गो। ओके, तो ये थी हमारी पहली नीश कैटेगरी। सेकंड वी हैव बेबी कैटेगरी। ओके, नाउ बेबी एक ऐसी कैटेगरी है जो आई डोंट थिंक सो, अगर आप किसी भी ऐसे ह्यूमन बीइंग को जानते होंगे जो कोई भी बेबी को हेट करता होगा। ओके, बहुत क्यूट। एंड इनसे रिलेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, इनके प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करना, इनकी नॉर्मल डेली लाइफ को रिकॉर्ड करके एंड एक फ़नी टाइप डाल देना। तो ये एक चैनल को एनालाइज करते हैं हम, क्यूडो बेबी। इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स पहले ही छुपा रखे हैं, बट आप देख सकते हैं लगभग हफ्ते में 3-4 ये वीडियोस डाल देते हैं। एंड थंबनेल्स कितने इनके इंटरेस्टिंग है, कोई टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट तब भी आदमी एक बार खोल के ज़रूर देखता है कि क्या कैसे उस वीडियो में हो रहा है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि यार बेबी कहाँ से लाएँ ये वो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेबी क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च क्लिक करना है, यहाँ पे फिल्टर्स में जाके आपको क्रिएटिव कॉमन्स क्लिक करना है। क्रिएटिव कॉमन्स में हमने क्या सीखा था, क्रिएटिव कॉमन्स में क्या होता है, यू आर फ्री टू यूज़ दिस ऑडियो ट्रैक इन एनी ऑफ योर वीडियोज़, इंक्लूड वीडियोज़ दैट यू मोनेटाइज, मतलब जिन वीडियोज़ से आप पैसा कमाने वाले हैं उनमें भी आप ये ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर यू मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही क्रिएटिव कॉमन्स में होता है। आप ये सारी वीडियोज़, फिल्टर्स हमारा लगा हुआ है क्रिएटिव कॉमन्स, आप ये सारी वीडियोज़ जितनी भी हैं अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर अगर आप उसमें इनको क्रेडिट दे दें, उस पर्टिकुलर चैनल को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आप उस वीडियो को एज इट इज़ उठा के मत डालिएगा, कुछ एडिटिंग करिएगा ताकि YouTube को फ़र्क दिखे कि आप उस वीडियो को एक मीनिंगफुल पर्पस से डाल रहे हैं वहाँ पे, अदरवाइज़ अच्छा नहीं होगा फिर। खैर, तो ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी, बेबी कैटेगरी। थर्ड वी हैव गेमिंग।
ओके एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई होगा जो गेमिंग को हेट करता हो आज के डेट में. गेमिंग को अगर हम एनालाइज करें सो लेट्स गो टू टोटल गेमिंग. इनके आज के डेट में 31 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड एज यू कैन सी आज के डेट में भले ही ये प्रॉपर थंबनेल्स एंड थम अपने फेस वगैरह भी दिखाते हैं बट अगर आप इनकी ओल्डेस्ट वीडियोस पे जाएंगे यानी 3 साल पहले की वीडियोस पे तो ये हमने अभी एनालाइज करी थी तो पता चला था. देखिए नॉर्मल गेम प्ले वीडियो है, इसमें बात कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स से एंड बात भी ना कर रहे हैं तो आपस में दोस्तों की जो मस्ती होती है उससे जो लोगों को सुनने में एंड जो जानने में मज़ा आता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं. अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये नॉर्मल वीडियो है, इसकी में एक नॉर्मल एडिटिंग है. ये गेम तब आया ही आया था है ना, क्योंकि तब ज़्यादा चर्चे थे पबजी के, फ्री फायर पे इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था. बट क्योंकि ज़्यादातर लोग पबजी अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वो धीरे धीरे गेम बढ़ता गया, उसका साइज़ बड़ा होता गया, अच्छे फ़ोन्स में ही अच्छे से चलने लगा, छोटे फ़ोन्स में उतना नहीं था. तो एक ऐसे गेम के एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट किया फ्री फायर ने कि काफ़ी लोगों की नज़र में वो गेम फिर धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा है ना. तो ये थी शुरुआत टोटल गेमिंग की एंड आज की डेट में इनके सब्सक्राइबर्स देख के आप सीख सकते हैं, इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं कि कितना स्कोप है इस सेक्टर में. ओके नेक्स्ट नीश वी हैव इज़ मोटिवेशनल. ओके एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में सबको ज़रूरत होती है. मतलब मोटिवेशन किसको नहीं चाहिए यार, भले ही आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो बुरा हो बट मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देता है. तो ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस वीडियो को. इनकी नॉर्मल वीडियो है, उसमें टाइटल्स लेके आ रहे हैं, सब टाइटल्स एंड स्टॉक परचेजेस चल रही हैं, कुछ फिल्टर लगा हुआ है एंड पीछे से वो अपना एक नरेशन दे रहे हैं है ना. एंड इनके 3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. अगर हम इनके चैनल को एनालाइज करें तो हमें जानने को मिलेगा कि इन्होंने भी 3 साल पहले ही शुरुआत करी थी एंड थंबनेल्स देखिए इनके, भले ही कितने बेसिक हैं बट हिंदी जो नीश है उसको हम हमेशा उतना सीरियसली नहीं लेते हैं. हम सोचते हैं यार हिंदी यार कौन बोले कौन लिखे क्या ये वो, बट YouTube ना लोकलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो सेक्टर स्पेसिफिक बहुत है. यानी कि अगर कोई मराठी या कोई पंजाबी या कोई तमिलियन अगर अपनी ही लैंग्वेज में बात करके वीडियोस डाल रहा है तो उसे उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत YouTube पुश करेगा बिकॉज वो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए एक ऐसा कंटेंट है जो पहले नहीं था YouTube पे है ना. तो अब सीन क्या हो गया है, YouTube पे ऑलमोस्ट हर चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. तो अगर आप कुछ यूनिक नहीं कर रहे हैं एंड अगर आप कुछ कर भी रहे हैं जो ऑलरेडी है उसमें भी कुछ यूनिक नहीं है तो फिर कोई चांस ही नहीं है आपका हट के दिखने का या आपको नई ऑडियंस मिलने का. तो ये था हमारा 4th नीश कैटेगरी एंड ऑन द 5th नीश कैटेगरी वी हैव एजुकेशन. एंड एजुकेशन से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है ना. इसमें क्या हो सकता है, आप डेली न्यूज़ कवर कर सकते हैं एंड एक जो सबसे पॉपुलर है वो है करेंट अफेयर्स. आई डोंट नो अब बट आप जितने भी लोगों को जानते होंगे आप में से कोई ना कोई आपका कोई ना कोई दोस्त होगा जो UPSC वगैरह की तैयारी कर रहा होगा. हम इस चैनल को अगर एग्जामिन करें नॉर्मल डेली के करंट अफेयर्स हैं. अगर हम कोई भी एक रैंडम वीडियो खोल के देखते हैं तो आपको जानने को मिलेगा ये देखिए एक क्वेश्चन है, नॉर्मल नरेशन है उनका एंड वो समझा रहे हैं बता रहे हैं कैसे क्या एंड व्यूज़ देखिए 65,000 व्यूज़. इनके चैनल को अगर हम एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो शुरुआत करी थी वो करी थी 4 साल पहले से, प्रॉपर शुरुआत थी इनकी. देखिए ट्रेलर के पहली वीडियो ही ट्रेलर की है, धीरे धीरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन. एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि आपको टाइम लगेगा इस फील्ड में, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, ये लॉन्ग टर्म प्लान इसको ग्रोथ लेके चलिए. साथ साथ भले ही आप अपना कुछ काम करते रहिए बट हार मत मानिएगा कभी, बस दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू. ओके ये हो गई हमारी 5th कैटेगरीज. द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज जिम वर्कआउट म्यूजिक. ओके जिम वर्कआउट म्यूजिक, अब ये क्या है भाई, इसको क्यों ले लिया. आप देखिए इस चैनल के 1 मिलियन अराउंड सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं. ओके एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे होम तो आपको एक चीज़ पता चलेगी. अगर हम देखें इन्होंने शुरुआत कब करी थी तो इन्होंने शुरुआत करी थी 3 साल पहले एंड इनकी एक वीडियो को एनालाइज करते हैं हम तो आपको दिखेगा कि इनकी नॉर्मल वीडियो है. आप देख सकते हैं ये देखिए आप बैकग्राउंड में कुछ नहीं, बस लाइट्स ब्लर हो रही है, लाइट्स फ्लेयर जो फिल्टर होता है वो यहाँ पे चल रहा है. बीच बीच में नहीं, थोड़े टाइम बाद इन्होंने एक फ़ोटो लगा दी एंड उसमें एक हल्का सा इनका एनिमेशन है एंड बस इनका म्यूज़िक चल रहा है उसमें एंड दैट्स इट. एंड उस पर व्यूज़ देखिए आप 26 मिलियन व्यूज़ हैं उस वीडियो पे.
है ना। इस म्यूज़िक के लिए भी आपको इसी तरह अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे आपको फ़िल्टर में जाना है एंड फिर आप यहाँ पे जॉनर ले सकते हैं एंड डांस एंड इलेक्ट्रॉनिक हिप हॉप एंड रैप। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया म्यूज़िक, आप कोई भी म्यूज़िक प्ले करके देखिए, फ्री है, बस आप लाइसेंस का ध्यान रखिएगा। एंड सिंपल फुटेज के लिए अगर आपको कोई फ़ोटो लगानी है या वीडियो लगानी है, आप यहाँ पे सिंपल जिम या वर्कआउट या जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे उससे रिलेटेड कंटेंट सर्च करके आप यहाँ से सिंपल डाउनलोड करके वहाँ डाल सकते हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये फ्री टू यूज़ कंटेंट है कि नहीं। वैसे पिक्सल्स पे सब कुछ फ्री है, बट तब भी अगर आप एक बार देख लेंगे हर फोटोग्राफर की नीड्स के ऊपर तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कैटेगरी, द नीश कैटेगरी जो है हमारी वो है डेटा। अब डेटा क्यों, डेटा में ऐसा क्या है जो मतलब आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक चैनल है डेटा इज़ ब्यूटिफुल, जस्ट लुक एट दिस चैनल, 1.4 मिलियन सब्स, ओके, कोई ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है इनका। ये देखिए चैनल आर्ट कितना बेसिक है, सिर्फ एक इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइजेशन करी है, प्लेलिस्ट आई डोंट ओके प्लेलिस्ट है यहाँ पे थोड़ी सी, इनका सिर्फ एक ही चैनल है, अबाउट सेक्शन में इन्होंने बस बता रखा है। एंड इनकी वीडियोज़ देखिए, अब इनकी लास्ट वीडियो 2 साल पहले आई थी एंड अगर हम ओल्डेस्ट वीडियो देखें, इन्होंने शुरुआत भी 2 साल पहले ही करी थी, है ना। ये एक टर्म होता है यहाँ बिजनेस में, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना, कि कोई पर्टिकुलर फील्ड में सबसे पहले जो आदमी आता है उसको बहुत फ़ायदा होता है वहाँ पे। उसके बाद फिर भले ही जितने फॉलोअप्स होते हैं उनको भले ही सक्सेस मिले ना मिले, वो उनके यूएसपी इस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ से आप एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ऐसी वीडियोज़ को बनाना हम लेटर ऑन सीखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं हम एंड कौन सा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एक्चुअली फ्लरिश, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि वो वीडियो भले ही हम जब बनाएं तब बनाते रहें, बट ये रहा flourish.studio, इस पर ऑटोमेटिकली उनकी विजुलाइजेशंस हैं। अगर आप एग्जांपल्स पे जाएंगे, एज यू कैन सी ये देखिए बार चार्ट रेस, ये बहुत पॉपुलर है इनका। एंड इनफैक्ट यहाँ जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल पे, ये सारी ज़्यादातर की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस बार चार्ट पे ही बेस्ड हैं, है ना, बार चार्ट रेस। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। सो ये है पावर डेटा की, बिकॉज वो देखने में जानने में थोड़ा सा अपीलिंग लगता है एंड मज़ा आता है वो बार्स को ऊपर नीचे होने में देखने में। अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर है उसकी नेटवर्थ को आप देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर कैसे इंक्रीज़ हुआ, वो तो वो आपको हुक्ड करके रखता है आपका। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव क्विज। क्विज भी डेटा रिलेटेड है पर थोड़ा सा अलग है एंड यहाँ पे प्रॉपर क्विज चैनल, यहाँ पे प्रॉपर क्विज को लेके डेडिकेटेड चैनल्स हैं। अब इस चैनल को देखिए, द क्विज चैनल, ऑलमोस्ट 100 के सब्स हैं एंड आप देख सकते हैं गेस यहाँ पे ये हर एक वीक में लगभग एक दो वीडियोस डाल रहे हैं। गेस द कैरेक्टर, है ना, नॉर्मल, वो ये आई गेस एक गेम बेस्ड चैनल है। सो लेट्स लुक एट सम अदर चैनल्स, यप ये रहा क्विज फन, है ना, आप इसको देखिए, ऑलमोस्ट 50 के सब्स, फन इज़ अनदर थिंग, वर्ड फॉर लर्निंग, ये एक्चुअली अलग हो गया थोड़ा सा, इन्होंने भी अपने जो चैनल का कंटेंट है वो थोड़ा सा बदल दिया है, बट आप यहाँ से एक हिंट ले सकते हैं ये इस वीडियो से, गेस दी ऐप लोगो इन 30 सेकेंड्स। ओके, आप देखिए नॉर्मल बस एक लोगो वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है एंड यहाँ पे टाइमर चल रहा है एंड फिर उसका नाम लिखा जाता है फेसबुक, दैट्स इट। ये वीडियो है नॉर्मल, म्यूज़िक कुछ नहीं करना आपको, फेस तो दूर की बात, आपको नॉर्मली बस अगर आपको नरेशन भी नहीं देना ना तो भी इट्स फाइन। ओके, एंड मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड लास्ट कैटेगरी जो कि बहुत फेमस है, आपने बहुत सर्च भी किया होगा, विच इज़ टॉप 10। अब टॉप 10 एक ऐसी कैटेगरी है जो कि कोई भी नीश को कवर कर सकती है, बस आपको टॉप 10 दिखाना होता है। जैसे इस वीडियो को देखिए, एक स्टॉक फुटेज, एक नरेशन एंड सिंपली एक आदमी उसको एक्सप्लेन कर रहा है ना। एंड देखिए हम 4.3 मिलियन सब्स, वीडियोस को अगर हम एनालाइज करें तो सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट, एंड अगर हम देखें तो इन्होंने 4 साल पहले शुरुआत करी थी एंड इनकी शुरुआती वीडियो ही टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया यू आर नॉट अलाउड टू विजिट, मतलब कितना इंटरेस्टिंग टाइटल है। उसके बाद की वीडियोस के आप व्यूज़ देखिए तो उतने ख़तरनाक नहीं है, बट वो जो पहली वीडियो है आर नॉट अलाउड टू विजिट एंड वो थंबनेल कि आदमी को लगे यार ऐसा क्या है जहाँ हम नहीं जा सकते,
तो ये सारी चीज़ें रिसर्च करिए, अपनी जानिए। मैं आपको बस कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ जिनसे आप बिना फेस दिखाए कैसे पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब पे। एंड मूविंग ऑन टू आवर लास्ट कैटेगरी जो कि बहुत पॉपुलर है, वो है ASMR। ओके, ASMR का फुल फॉर्म मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो एक बार हम फिर से देखते हैं, विच इज़ ऑडियो सेंसरी, यप सॉरी, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स, है ना। समटाइम्स ऑल्सो सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स, इट्स अ टिंगलिंग सेंसेशन दैट यूजुअली बिगिंस ऑन द स्कैल्प एंड मूव्स डाउन द आर्म। बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको देखने में आपको मज़ा आए, है ना, आपके बॉडी में ऐसे रिएक्शंस हो कि आपको रिलैक्स फील हो। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे चैनल्स हैं, लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। स्पाइस ASMR, प्रॉपर शक्ल भी नहीं दिखाई है, है ना, 2.7 मिलियन सब्स। फेंटा चिकन एंड ये सारा फूड है वहाँ पे, एंड वो बस खाने की वो जो प्रॉपर आवाज़ है, बस उस आवाज़ को लेके, है ना, एंड उस पर अगर आप व्यूज़ देखेंगे, ओ माय गॉड, ये चीज़ को देखिए। मतलब कुछ नहीं करना आपको, बस नॉर्मल रख के खाना खाते हुए वीडियोस रिकॉर्ड करी गई है, एंड कितने सारे व्यूज़ हैं उस पर। अगर हम इनकी शुरुआत देखें तो यप, एज ऑलवेज 4 ईयर्स अगर उन्होंने शुरुआत करी थी नूडल्स बर्गर, एंड आज के डेट में अच्छा खासा सब कुछ है। तो ये था गाइज हमारे आज के वीडियोज़ का टॉपिक, मिलते हैं आपसे आउट्रो में। हेलो अगेन, आई होप आपको ये आइडियाज़ थोड़े से अच्छे लगे होंगे। जो रिसर्च थी हमारी उसके अकॉर्डिंग ये सारे आइडियाज़ वर्क करते हैं। आप प्लीज़ अपने व्यूज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कौन से आइडियाज़ आपके लिए वर्क कर रहे हैं, या आपने जिन पर काम करना शुरू किया था, भले आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो कंसिस्टेंसी। आप भले कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, आपको यहाँ पर रेगुलरली अच्छा कंटेंट, क्वालिटी वाला, यहाँ पे क्वांटिटी पे नहीं, आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए, एंड उसके ही अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भले ही स्लो होगी बट रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।